बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाले चावल। आधा किलो चावल लेके मैंने उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। यहाँ पे मैंने आधा किलो गुड़ ले लिया है, 4 से 5 मैंने हरी इलायची ले लिए, थोड़े से किशमिश ले लिए और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूखा दूध ले लिया है। तो यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका था तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ गुड़। गुड़ को अच्छी तरह से मैं बॉईल कर लूँगी, तेज़ में आंच में तेज़ कर लूँगी यहाँ पर। जब ये अच्छी तरह से बॉयल्ड हो जाए तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली थी, उस प्लेट में मैंने चीनी इस तरह से डालनी थी। मुझे थोड़ा मीठा तेज़ पसंद है तो मैं इस पर चीनी शामिल करूँगी थोड़ा सा दम के वक्त। और जो यहाँ पे किशमिश मैंने ले लिए थे उसको मैंने साफ़ कर लिए थे और अभी मैं इसको थोड़ा सा धो लूँगी। तो यहाँ पे चाशनी में बॉयल आना शुरू हो गया था तो अच्छी तरह से जब ये बॉयल हो जाए, जब इसमें गुड़ अच्छी तरह से मेल्टेड हो जाए तो फिर मैं इसके आंच को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि गुड़ ज़्यादा नहीं पिघली तो उसको मैं इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा मैं इसको कूट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 5 से 6 अदद हरी इलायची, उसको मैं अच्छी तरह से खोल लूँगी। तो यहाँ पे जो गुड़ मैंने शामिल कर दिया था वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया था, बिल्कुल ज़बरदस्त से पिघल गया है। तो अब हम आते हैं देगची की तरफ। तो पहले मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी हरी इलायची। आंच हम लोगों को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, फिर हमारे चावल का कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर शामिल करूँगी आधा प्याला नीडो दूध, उसको मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी, इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, फिर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। थोड़ी देर मैंने इसको पकाना है और हमारे पास खोया नहीं था तो मैंने कहा कि हम मिल्क पाउडर से ही गुड़ वाले चावल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मिल्क पाउडर था वो हल्का सा फ्राई हो गया है। जो गुड़ हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया था उसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आंच को तेज़ कर दिया है, अभी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चावल। थोड़ी देर में इसमें चावल मिला लूँगी, फिर मैं इसको दम पर लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जो किशमिश मेरे पास थी उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं। थोड़ी देर में इसको पकाने दूँगी क्योंकि चावल को मैंने पहले से ही बॉयल कर लिए थे। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर इसको मैं दम पे रखते वक्त मैं इस पर चीनी शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पे चीनी और चावल में बॉयल आना शुरू हो गया था तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ चीनी और उसको मैं अभी दम पर रखती हूँ। तो मिलते हैं आपसे दम के बाद। तो यहाँ पे चावल में बॉयल आना शुरू हो गया था तो अभी मैं इस पर ढकना रख दूंगी, थोड़ी देर में इसको दम करने दूंगी, दम के बाद फिर मिलते हैं। तो चावलों को मैं यहाँ पे दम पर रख देती हूँ तो मिलते हैं दम के बाद। यहाँ पे हमारे चावल को पूरे आधा घंटा हो चुके हैं तो मैंने कहा आधा घंटे के बाद चेक करते हैं। तो अभी चावलों में दम हो चुका है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से जो गुड़ वाले चावल थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम चावलों को सर्व करेंगे। तो यहाँ पे जो गुड़ वाले चावल थे वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे।